हिमाचल का एक खूबसूरत शहर सोलन। यह शहर प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ जलवायु, सामाजिक आर्थिक समृद्धि, बहु संस्कृति और एजुकेशन हब के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर तेजी से उभरा है। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सोलन शहर खुम्ब उत्पादकों के लिए किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। यहाँ देश के कोने कोने से हर साल हजारों प्रशिक्षु मशरूम उत्पादन में सुनहरे भविष्य की तलाश में आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन, जहां नई और उत्तम किस्म के खुम्ब उत्पादन के लिए लगातार अनुसंधान कार्य कर रहा है, वहीं खुम्ब उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1983 में NCMRT नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूप में हुई थी। इस निदेशालय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न खुम्बों के ऊपर खोज करना और किसानों को प्रशिक्षण देना है। वर्ष 1983 से लेकर लगातार यह निदेशालय किसानों को, एंटरप्रेन्योर्स को, वैज्ञानिकों को लगातार ट्रेनिंग देता आ रहा है। अब इस वर्ष भी हमने 2 किसान शिविर लगाए, 2 एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए और दूसरे कई TSP NEH रीजन के किसानों के लिए भी कई प्रशिक्षण शिविर लगाए। इस तरह हर वर्ष हम सैकड़ों किसानों को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। वर्ष 1992 में विकास बिनाल जी ने यहाँ सोलन में ही मशरूम की खेती प्रारंभ की और उनके माने तो लगभग 1100 रुपये की लागत लगा करके उन्होंने मशरूम का उत्पादन शुरू किया और मशरूम उन्होंने परचेज किए। डायरेक्टरेट और मशरूम सर्च ने उन्हें सबसे पहले तो खाद बनाने की विधि सिखाई, खाद की किस तरह से जो पास्टराइजेशन चैम्बर है उसको कैसे बनाया जाता है, हर तरह की विधि जो मशरूम की खेती से लेकर थी, हर तरह की बारीकियां उनको सिखाई गई और आज वो काफ़ी लंबे स्तर पे मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने स्पान लेबोरेटरी का भी उन्होंने स्थापना वर्ष लगभग 2005 के करीब की और कई किसानों को खुद स्पान बना करके बेच भी रहे हैं। इसी तरह स्टाके में भी उनका रुझान पिछले 4-5 वर्षों से हुआ और वो एक अलग एक यूनिट स्टाके का भी लगाने जा रहे हैं। आज उनकी लगभग जो टर्नओवर है वर्ष की वो 5 करोड़ के करीब करीब मशरूम से इसका सालाना टर्नओवर कमा रहे हैं। सोलन के युवा खुम्ब उत्पादक विकास बनाल मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित और प्रतिष्ठित नाम है। निदेशालय द्वारा अब तक प्रशिक्षित हजारों प्रशिक्षुओं में विकास का नाम अग्रणी स्थान पर है। वर्ष 1988 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से MCOM की डिग्री हासिल करने वाले विकास भी शायद ये नहीं जानते होंगे कि भविष्य में वे मशरूम उत्पादन क्षेत्र के एक ब्रांड एम्बेसडर सिद्ध होंगे। 45 वर्षीय विकास बनाल ने मशरूम उत्पादन को अपने रोजगार और आय का जरिया बनाया और अपने 25 वर्षों के सुनहरे सफर में मशरूम उत्पादन में एक ऊंचे मुकाम को हासिल किया है। विकास ने घर से बाहर निकलकर नौकरी ढूंढने की राह चुनने की बजाय खुम्ब उत्पादन को अपना रोजगार बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयासों से सिद्ध कर दिया कि कृषि अथवा खेतीबाड़ी को भी एक आधुनिक उद्योग के रूप में किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। इस राह पर चलते हुए विकास न केवल एक सफल उद्यमी बने बल्कि उन्होंने खुम्ब उत्पादन के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया है और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने।
विकास ने वर्ष 1990 में मात्र 200 बैगों से एक कमरे में मशरूम खेती का सफर शुरू किया और वर्ष 1996 तक मौसमी उत्पादन करते हुए खुम्ब उत्पादन में अपना हाथ आजमाते रहे। वर्ष 1999 में खुम्ब अनुसंधान निदेशालय से प्रशिक्षण लेने के पश्चात उन्होंने अपनी खुम्ब इकाई का स्तर बढ़ाने पर विचार किया तथा वर्ष भर खेती के लिए वातानुकूलित इकाई स्थापित की। इसी वर्ष उन्होंने अपनी बीज इकाई भी स्थापित की। विकास जी, आपका खुम्ब के बारे में कल्टीवेशन में आपका तरक्की देख के हमें बहुत खुशी हुई। आप खुम्ब में जो लोग इतने परेशानी सामना करके भी सक्सेस होने में नाकामयाब रहते हैं, आपने ऐसा क्या किया जो अलग किया जिसकी वजह से आप इतना सक्सेसफुल रहे? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे देखिए आपको पता है कि मैंने मशरूम फार्मिंग जो है 1990 में शुरू किया, तो सबसे पहले जो मेरा एक स्टेप था कि मैंने पाश्चराइज कंपोस्ट में शुरू से ही बनाना शुरू किया, तो 1990 में मैंने एक पाश्चराइजेशन टनल बना लिया था। और आपको पता है कि अभी भी पंजाब हरियाणा के जो है मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो है लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बना रहे हैं, तो मेरा जो ये सक्सेस का ये कारण रहा कि मैं पाश्चराइज कंपोस्ट बना रहा हूँ। उसके बाद पाश्चराइज केसिंग सॉयल यूज़ कर रहा हूँ, फिर रूम जो है हमारे जो है बिल्कुल हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, इसमें क्वालिटी सीड कंपोस्ट और हाइजीन, ये तीन चार चीज़ें हैं जिससे जो हम सक्सेस ले रहे हैं। और पिछले 25 साल से जो हैं लगातार एक ही कमरे के अंदर हम क्रॉप ले रहे हैं और यील्ड में उसमें जो है कोई भी उसकी जो पैदावार में है कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। तो अगर आपकी कंपोस्ट पाश्चराइज्ड है, केसिंग सॉयल आपकी पाश्चराइज्ड है, सीड आपका क्वालिटी सीड है और आपका जो रूम है हाइजीनिकली ठीक है, हाइजीन आपने मेंटेन करके रखी है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म तक मशरूम पैदा नहीं कर सकते और आपको इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बेसिक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। विकास बनाल वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1000 किलोग्राम श्वेत बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। उनके अन्य मशरूम उत्पाद जैसे आचार इत्यादि भी बहुत मशहूर हैं। विकास मशरूम उत्पादन के साथ जरूरतमंद युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा विकास छोटे खुम्ब उत्पादकों को बनी बनाई खाद की आपूर्ति भी करते हैं। विकास कहते हैं, मेरा खुम्ब उत्पादन का सफर अभी यहीं नहीं रुका है, मैंने एक और पूर्ण स्वचालित खुम्ब इकाई स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया है। शिटाके खुम्ब का लगभग 500 टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने हेतु योजना तैयार कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मोहाली में भी एक बड़ा मशरूम फार्म लगा रहे हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने शिटाके मशरूम फार्म में इसको कन्वर्ट करना है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। विकास भी मानते हैं कि एक सफल उद्यमी, नेक इंसान, अच्छे प्रेरक और एक अच्छे पिता के रूप में स्थापित होने में पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। निदेशालय उनके खुम्ब उत्पादक के हर सपने को पूर्ण करने हेतु शुभकामनाएं देता है। आज से लगभग 30 साल पहले 1988 में जब मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, उस समय भी बेरोजगारी की समस्या थी और आज उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है।
तो मेरा तो बेरोजगार युवाओं को यही संदेश है कि भाई मशरूम फार्मिंग आप अडॉप्ट कीजिए, और मशरूम फार्मिंग जो है उसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आप एक फंगस को ग्रो कर रहे हो अगर आप मशरूम फार्मिंग कर रहे हो, आपका जो मीडिया है वो पाश्चराइज होना चाहिए, आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और एक मशरूम फार्मिंग करके जो है आप जो है अपने देशवासियों को एक हेल्थ फूड प्रोवाइड करोगे, और दूसरे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम पैदा करके मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी, तो एक आम आदमी जो है उसको जब प्राइसेस कम होंगे तो उसको एक कॉमन मैन फूड बना सकेंगे। तो मशरूम फार्मिंग को टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करें और अपनी आर्थिकी को भी सुदृढ़ करें और देशवासियों को जो है एक हेल्थ फूड मुहैया करवाएँ।